Good morning, dear students. My name is Sudhir Shukla. I used to teach a subject, electronics devices. Dear students, hope you are well now these days. And you have to be well because you have to cover all the topics of our subject, electronic devices. I wish that you will take care of yourself. So let's start for the today's lecture. Dear students, hope you remember that what is being taught to you, or I have told you about the topic mobility. As we have till date, we have covered lot of topics related to our subject electronic devices. So during that discussions, few of you have doubts and you have asked to me, and I also have cleared all the things. So hum aise topics aage cover karte chalenge, aur jo bhi doubts aayega, I always try my best to clear or sort out all those doubts. So dear students, pichle discussion mein humne jana career transport kya hai, सेमीकंडक्टर से कंसर्न्ड इन आवर सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उस कैरियर ट्रांसपोर्ट के जो सब टॉपिक्स थे, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, हाउ ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट और हाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन करंट इज, ये सब हमने कवर किया था. आफ्टर इट ऑल वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक मोबिलिटी. सो लेट मी राइट द टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल. आफ्टर इट ऑल we will start a discussion over this mobility. Dear students, mobility pe maine aapko bataya tha ki this is basically you can say the property of the semiconductor mobility, or in other words you can say mobility describes the property of the charge carriers in semiconductor material. Hum keh sakte hain ki ye un charge carriers ki property ko define karta hai कि हाउ मोबाइल द चार्ज कैरियर्स आर. एंड डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू इन माय सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बेसिकली वी कैन, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दैट इफ वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस, इन दैट वी कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स, इन टर्न वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हम कर सकते हैं कंट्रोल चार्ज कैरियर्स को, और मोबिलिटी उन्हीं चार्ज कैरियर्स की प्रॉपर्टी होती है. आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू डियर स्टूडेंट्स कि इफ वी हैव टू डिफाइन मोबिलिटी, वी कैन से दैट हाउ फास्ट द चार्ज कैरियर्स आर मूविंग. मोबिलिटी अगर चार्ज कैरियर्स की हाई है, दैट मीन्स थोड़े से ही फील्ड में इट कैन मूव फास्ट. तो अगर मैं कहता हूं कि चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट पे अगर मैं फोकस कर रहा हूं कि चार्ज कैरियर्स आर मूविंग, तो क्या हमारा फोकस होना चाहिए? ऑफ कोर्स डियर, बिल्कुल होना चाहिए. क्योंकि मैंने बताया था कि इफ द करंट फ्लोज, दैट मींस विदाउट एनी डाउट कि चार्ज कैरियर्स भी मूव कर रहे होंगे, क्योंकि चार्ज कैरियर्स के रिस्पेक्टिव ही करंट भी फ्लो करती है. If that charge carriers is electron, the current will be opposite to that flow of electrons. अगर वो charge carriers holes हैं, तो in the direction, holes के direction में ही electric current flow होगी. If the charge carriers are in rest, वो rest position में हैं, velocity उनके corresponding, उन charge carriers के corresponding zero है, mobility zero है, then there will be no existence of current. करंट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी. तो अगर करंट फ्लो करना है और हम अपने डिवाइस का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एप्लीकेशन तभी ले पाएंगे डियर स्टूडेंट्स, जब उसमें करंट फ्लो करेगी. आप मेरा एप्लीकेशन कब ले पाओगे? जब मेरे अंदर एनर्जी होगी. जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो मैं गेन करूं और मेरे अंदर कुछ एनर्जी आए, तब तो मैं लेक्चर डिलीवर कर पाऊंगा, अदरवाइज आई कांट. तो मेरे लिए सोर्स वो एनर्जी है. एनर्जी का सोर्स जो भी हो, वेदर इट मे बी
हमें उससे मतलब नहीं है, बट फॉर मी द सोर्स इज एनर्जी दैट विल एक्टिवेट मी, दैट विल इनेबल मी सो दैट आई कैन डिलीवर द लेक्चर, आई कैन टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग. सिमिलरली जो एनर्जी का काम इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए करेगा, दैट इज नथिंग बट द करंट. अलोंग विद दैट डिवाइस देयर मस्ट बी अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उन चार्ज कैरियर्स की वजह से, और उन चार्ज कैरियर्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है मोबिलिटी. मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन वी फॉर्मुलेट दिस मोबिलिटी म्यू, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं. आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू वीडी बाई ई. एंड डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू what this VD is basically. This is nothing but the drift velocity of that charge carriers. This is the electric field which is being applied across a piece of semiconductor or a piece of a conductor. जब हम electric field apply करते हैं, dear students, तो charge carriers move करना start करते हैं with a certain velocity, एक certain velocity से. और जनरली इफ आई से तो उनके रैंडम मोशन से वी जस्ट कंसिडर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट चार्ज कैरियर्स. हम एवरेज वेलोसिटी कंसर्न करते हैं, तो वेलोसिटी से भी फिलहाल हमें ज्यादा कोई कंसर्न नहीं है. बट हमें यह देखना है कि अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज कैरियर्स स्टार्ट मूविंग, और उनका रेशियो, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलॉन्ग विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड results the mobility of that charge carrier. अब वो mobility मैंने आपको बताया था, that basically depends upon the doping, along with it, it also depends upon the material being used for the manufacturing of this electronic devices. ये materials पे भी depend करते हैं कि mobility आपकी. कहने का क्या मतलब है कि material to material mobility will differ. Along for the charge carriers also. ये charge carriers के लिए mobility define करेगी. What I mean, so let me write first of all the value for mobility. I have also told you, dear students, the unit for that mobility, volt into second or meter square volt into second. So let me write one of the value. After it all, I will explain you what I mean. This is for germanium, this is for silicon, this is 3800 centimeter square volt into second, and here it is 1300 centimeter square volt into second, this is 1800, again the unit is same, and this is 500. Dear students, I have symbolized in my previous video lecture कि अगर मैं इस mu को, this is general mu, ये जो आपका है, that is general mu. We are not defining this mu particularly for electron or for holes. No doubt, the formula will be same. Formula दोनों के लिए same होगा, चाहे वो electron हो या holes. But what happens? When we have to concern with the electrons, we have to write mu n. Anywhere if you see or going through the term mu n, that means you are talking about the mobility of an electrons. Or agar kahin mu p likha hai, that means that is the mobility of holes. Mobility of holes ki baat kar rahe hain. So I have written a table of values for two different type of semiconductor materials. Generally, we are in concerning with the these two materials. We will discuss or we will consider only silicon and germanium because these are the two semiconductor materials which are most preferable. I will tell you that why these were most preferably elements being used in our subject electronic devices. तो मैंने यहाँ पे दो values लिखी हुई हैं. फॉर द जर्मीनियम, जर्मीनियम सेमी कंडक्टर मटेरियल के लिए मैं म्यू एन की वैल्यू लिखता हूं 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर
पर वोल्ट इंटू सेकेंड, और मैं फिर सिलिकॉन के लिए लिखता हूं 1300, मैं म्यूपी की वैल्यू लिखता हूं 1800 यूनिट सेम सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड, और सिलिकॉन के लिखता हूं 500 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन कंपेयर द वैल्यूज ऑफ मोबिलिटी फॉर एन इलेक्ट्रॉन डिफर्स फॉर द मटेरियल। व्हाट आई हैव टोल्ड यू, इट डिफर्स, द वैल्यू ऑफ मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर डिफर्स मटेरियल टू मटेरियल, ऑल्सो दैट डिफर्स कंपेरेबली टू द टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन हो या होल्स हो, उनके लिए तो डिफर करेगा ही, साथ में ही वो डिफर करेगा मटेरियल से मटेरियल में भी। अगर वो जर्मीनियम का मटेरियल है तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 1300 होती है, लेकिन वही अगर वो सिलिकॉन का मटेरियल हो तो उसी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 3800 होती है जर्मीनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए होती है वो 1300। तो इससे इस टेबल से अगर मैं कंक्लूजन निकालू तो व्हाट आई विल कंक्लूड यू कि जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, फर्स्ट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल्स। जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होगी दैट विल बी मच मच ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स, होल्स के कंपेरेबली। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जर्मीनियम मटेरियल के लिए ही 3800 है और होल्स की मोबिलिटी 1800 है, बट व्हेन यू सी फॉर द सिलिकॉन अगेन यू विल सी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1300 है और मोबिलिटी ऑफ होल्स 500 है, 1300 500 से ज्यादा है, 3800 1800 से ज्यादा है। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला इस टेबल से, दीज आर द डिफाइंड वैल्यूज, मैंने रैंडमली ये वैल्यूज यूज नहीं किए, दीज आर डिफाइंड और कैलकुलेटेड वैल्यूज फॉर द मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर। तो यहां से हमें ये कंक्लूजन मिला। साथ में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन सेम थे, बट वो जब जर्मीनियम के इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते थे तो उनकी मोबिलिटी 3800 थी, 3800 थी, और जब सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे थे तो उनकी मोबिलिटी 1300 थी। मतलब अगर मैं मटेरियल में कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जर्मीनियम की ज्यादा होती है कंपेरेबली टू सिलिकॉन, एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो से तो जो कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं, अगर जर्मीनियम यूज करते हैं तो नो डाउट जर्मीनियम मटेरियल्स की कंडक्टिविटी हाई होती है कंपेरेबली टू सिलिकॉन मटेरियल्स, बट स्टिल वी यूज सिलिकॉन मटेरियल्स, वी जस्ट गिव प्रिफरेंस टू द सिलिकॉन मटेरियल्स, हम सिलिकॉन को ही प्रिफरेंस देते हैं क्योंकि देयर आर अ फ्यू ऑफ द रीजंस, बट द मेजर रीजन इज अगर हम लीकेज करंट की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो लीकेज करंट SI सिलिकॉन के केस में कम होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है फॉर अवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लीकेज करंट। तो लीकेज करंट की अगर हम बात करें, कंडक्टिविटी तो नो डाउट कंडक्टिविटी जर्मीनियम की ज्यादा होती है, बट अलोंग विद दैट कंडक्टिविटी द लीकेज करंट वैल्यूज इज ऑल्सो मच हायर फॉर दिस जर्मीनियम, दैट्स वाई वी डिड नॉट गिव प्रिफरेंस टू दैट ऑफ जर्मीनियम कंपेरेबली टू दिस सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा हम प्रिफरेंस नहीं देते हैं जर्मीनियम। आई हैव टोल्ड यू देयर आर द वेरियस रीजंस वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो इस टेबल से जो हमें कंक्लूजन मिला वो हमें समझ लग गया। अलोंग विद दैट वन थिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक यू अश्योर कि जब हम मोबिलिटी की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज the temperature, what happens? In turn, the mobility get decreases. Mobility decrease hota hai. By the relationship, dear students, mu proportional to T power minus M. Is relationship se, temperature अगर हम बढ़ाते हैं तो मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स डिक्रीज होता है। आई कैन टेल यू द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट हैपेंड डियर स्टूडेंट्स कि जब हम थर्मली एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उस दौरान उस लैटिस में जो क्रिस्टल है, जो भी सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल, आइदर इट इज ऑफ सिलिकॉन और जर्मीनियम, उस लैटिस में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड ड्यू टू द स्टार्ट ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स
what happened? The covalent bond break. And while the covalent bond breaks, the electrons get free. Electrons free हो जाते हैं. Ground state से excite हो, ground state से वो jump करते हैं excited state. Energy उनकी high हो जाती है. और initially जब temperature कम था, उस दौरान जो charge carriers का concentration था, जो amount था, that was less. और अब वाइब्रेशन की वजह से, बॉन्ड ब्रेक हो जाने की वजह से, कैरियर्स फ्री हो जाने की वजह से उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. और व्हेन द कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग, इन टर्न द मोबिलिटी गेट डिक्रीजेस. क्योंकि उस लैटिस में अब कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो मोबिलिटी होती है वो घटने लगती है. द रीजन इज ऑफ बिकॉज ड्यू टू स्कैटरिंग, वो स्कैटर होने लगते हैं एक दूसरे से और रिजल्टेंट मोबिलिटी गेट डिक्रीजेस. सो दिस वॉज अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ मोबिलिटी विद डेट ऑफ टेम्परेचर. हियर वॉट आई हैव मेंशनड विद द स्मॉल एम, दैट इज बेसिकली अ कॉन्स्टेंट वैल्यू. एंड द वैल्यू फॉर एम इज डिफाइंड लाइक वाइज फॉर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर सिलिकन, द वैल्यू इज 2.5 for electron and 2.7 for holes. And if I am talking about for germanium, the value is 1.66 for electrons. These are also, dear students, calculated values or defined values. These values are not being used randomly. यहां जो मैंने relationship लिखा, mu is proportional to t power minus m. This m is an integer value, constant value, and is defined as in this way कि अगर वो material silicon का है, तो values is m is equals to 2.5 for electron and 2.7 for holes. इस m की value. And if we are considering the germanium semiconductor material, we have the value 1.66 for electron and 2.33 for holes. These are the defined values. मैंने आपको बताया कि mobility is basically what, कि how quickly, how fast the charge carriers are moving. जिस प्रकार से charge carriers जितनी तेजी से move करते हैं, वही उसकी property mobility बनती है. और उस मोबिलिटी का रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ इनवर्स होता है. और उस पैरामीटर के जो पावर आता है विथ माइनस ऑफ एम, उस एम की वैल्यूज कुछ इस प्रकार से डिफाइंड होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमें मोबिलिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप पता लग गया. आई होप यू हैव नोटेड डाउन द वैल्यूज विच आई हैव रिटन हियर एंड यू हैव ऑल्सो come to know that what basically this mobility term is. So let me write or let me draw a graph between mobility and electric field. First of all, we have idea about the relationship of electric field with that of mu, that is inverse relationship. So if I have to draw a graph for mobility and electric field, I can draw it like कि y axis पे मैं put करता हूं mobility को और x axis पे मैं put करता हूं electric field को. And dear students, we all know the relationship mu is equals to Vd by E. मतलब denominator में अगर हम term लेना हो, तो we will consider in the denominator this electric field. लेकिन अगर हम drift velocity की बात करें, तो that will be in the numerator. ठीक है, तो हम ये graph देखते हैं. तो I will draw it like a three of the points again in this manner. This is what the value 10 the power 3. This is what the value 10 the power 4.
and this is what the value 10^7. We can write the unit voltage per centimeter or voltage per meter. Generally, I can use this. तो यहां पे हम देखते हैं कि that is constant. Here I can write proportional to square root of E. Here I can write mu is proportional to 1 by E. This is the graph which I have drawn in between two parameters, mobility and electric field. ये मैंने graph बनाया दो parameters, mobility और electric field के, और मैंने relationship आपको बता रखा है मैंने. तो what happened here students की y axis पे मैंने mobility लिया है और x axis पे हम electric field की बात कर रहे हैं. तो उस दौरान, जिस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होती है, इन बिटवीन वैल्यू फ्रॉम 0 to 10^3, 0 से 1000 volt per centimeter इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस दौरान मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशनशिप होता है दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट रिलेशनशिप होता है. मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो किसी इंस्टेंट तक कांस्टेंट वेरिएशन होता है, कोई चेंजेस नहीं होते, कांस्टेंट रहता है मोबिलिटी ऑफ दैट चार्ज कैरियर्स. बट व्हाट हैपेंस कि जैसे हम 1000 से 10000 की रेंज में आते हैं, द मोबिलिटी ऑफ दैट चार्ज कैरियर्स स्टार्ट डिक्रीजिंग विद द रिलेशनशिप 1/√E. और फिर 10000 वैल्यू से 10^4 वैल्यू से जैसे हम 10^7 वैल्यूज की रेंज में आते हैं, डियर स्टूडेंट्स, द ग्राफ exponentially, like in this way, decreases with a relationship directly proportional to 1 by E. इस relationship से वो directly जो है वो decrease करने लगती है, और बहुत ज्यादा high value पे 10^7 volt per centimeter पे, dear students, जो mobility of charge carriers हो जाती है that is equals to 0, 0 हो जाती है. Mobility, मैंने बताया आपको कि mobility को terms को लेके confuse नहीं होना. मोबिलिटी हाई है मतलब चार्ज कैरियर्स बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, मोबिलिटी लो है मतलब चार्ज कैरियर्स बहुत धीमी गति से मूव कर रहे हैं. एक तरह से कह सकते हैं कि गति को दर्शा रहा है मोबिलिटी आपका. तो अगर बहुत हायर वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस दौरान मोबिलिटी कॉन्स्टेंट है, बट जैसे हमने थोड़ी सी और वैल्यू बढ़ाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, मोबिलिटी घटने लगी, और फिर एक इंस्टेंट के बाद वो मोबिलिटी हमें जीरो नजर आ रही है. क्यों? क्योंकि जनरल आइडिया आप ले सकते हैं कि स्कैटरिंग का, कि मोबिलिटी में जैसे जैसे चार्ज कैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बढ़ाया, वैसे वैसे बॉन्ड्स ब्रेक हुए और चार्ज कैरियर्स का जो कंसंट्रेशन था, इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसंट्रेशन था, दैट इंक्रीजेस रैपिडली, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए. इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए कि जब वो मूव कर रहे थे तो आपस में टकराने लगे, और उनकी मूवमेंट ज्यादा नहीं हो रही थी, और उनकी अगर मूवमेंट ज्यादा नहीं हो रही थी दैट मींस मोबिलिटी भी क्या हो रही थी, इन टर्न डिक्रीज कर रही थी. तो चाहे वो केस इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करते हुए हो, चाहे वो टेम्परेचर को हुए हो, अगर दोनों को हमने बढ़ाया तो वी फाउंड द वैल्यू ऑफ मोबिलिटी, और द वैल्यू ऑफ मोबिलिटी गेट डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होने लगी. दिस इज बेसिकली एक्सप्लेन्ड विद द ग्राफ, बाय दिस ग्राफ. So, let me draw another graph and explain that the graph in between, graph in between drift velocity and electric field. Electric field. Again, I am putting the parameter VD, drift velocity, on this y axis, and electric field VD per centimeter on this x axis. And if I draw a graph, the graph will be like this way.
and this value is 10 to the power 3, this value is 10 to the power 4. This is defined the reason linear. This is defined as the sublinear. I will define this reason soon. So let me explain you. कि हमने ग्राफ देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अभी हमने देखा था मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ग्राफ. After it all, what we are saying, the graph in between this drift velocity or electric field ke beech mein, you need not to confuse with this Vd. You can write simply the unit for electric field to be volt per centimeter. So, jab humne graph banaya drift velocity or electric field ke beech mein, we found the graph like ki jis prakar se hum value electric field ki increase karte hain, what we found. कि drift velocity of that charge carriers and we are considering the charge carriers as the electrons that linearly increases, linearly वो increase करता है. जो drift velocity होती है charge carriers की वो first of all linearly increase करता है for the higher values of this electric field and when with the instant of time we are increasing the value of electric field what we found कि 10 द पावर 3 से 10 द पावर 4 की रेंज में द वेरिएशन इज सबलीनियर टाइप, सबलीनियर टाइप से होता है. एंड व्हेन वी आर प्रीसीडिंग टुवर्ड्स द वैल्यू 10,000 वेर वी आर मूविंग और अप्लाइंग द वैल्यू ग्रेटर देन टू दैट ऑफ 10 द पावर 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर व्हाट वी फाउंड दैट द डिवाइस एंटर्स इनटू सैचुरेशन. Enters into saturation. जो drift velocity होती है charge carriers की वो saturate हो जाती है for the values greater than that of 10 the power 4 or 10,000 volt per centimeter. तो यहां पे हमने electric field का variation देखा कि किस प्रकार से अगर हम electric field बढ़ाते हैं तो उसका क्या effect पड़ता है mobility पे. First of all mobility constant रहती है, अगेन वो डिक्रीज करती है और फिर इस प्रकार से डिक्रीज करती है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है. वो 10 द पावर 7 वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे जहां पे मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर जीरो के इक्विवेलेंट हो जाता है. और जब हम देखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन व्हाट वी फाउंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस हायर वैल्यू के लिए जिस दौरान ये हायर वैल्यू है इस वैल्यू में दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड दिस इज द हायर वैल्यू कंपेरेबली टू 10 टू द पावर 7. इस वैल्यू में जहां पे मोबिलिटी कांस्टेंट थी वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज कर रहा था. और फिर जब म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ई हुआ और ये जो वेरिएशन आया 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 4 के बीच में उस दौरान सब लीनियर इंक्रीज हुआ. और फिर 10 द पावर 4 और 10 द पावर 7 के बीच में जब ये रिलेशनशिप फोल्ड करता था डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ई इस दौरान जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी था दैट एंटर्स इनटू सैचुरेशन दैट बिकम्स बेसिकली कांस्टेंट. अब हम फर्दर इंक्रीज करते रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को व्हाट वी फाउंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट. एंड आई हैव आल्सो टोल्ड यू when we are considering this drift velocity that means the average velocity of that charge carriers kyunki un charge carriers ka random motion hota hai and we can't define the velocity of the individual charge carriers when they are moving randomly hum nahi kar sakte define. So with that what is the option for us? The option becomes that we have to take the average velocity of all that electrons which are moving randomly. So hum average velocity consider kar sakte hain. On that average velocity is nothing but the drift velocity. So dear students, I have told you about the velocity of drift velocity of the electrons along with the mobility. So maine aapko bataya ki mobility ki agar terminology hum use kare
So that is basically the property, that becomes the property of the charge carriers residing in the semiconductor material. हम कह सकते हैं कि इस मोबिलिटी को ये प्रॉपर्टी बनती है. मोबिलिटी जितना ज्यादा होगी, the higher the value of mobility, उतने ही effectively current will flow. क्योंकि मैंने आपको बताया था करंट की एग्जिस्टेंस कब होगी, जबकि चार्ज कैरियर्स मोशन में है, और वो मोशन में है डेट मीन्स उनकी कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ मोबिलिटी है. और अगर मोबिलिटी जीरो हो रही है डेट मीन्स कि करंट भी जीरो हो जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफ कंसर्निंग विद द थ्री पैरामीटर्स, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक. So dear students, this is all about the mobility, drift velocity and electric field. In my next video lecture, I will let you know about the resistivity, because this is also the most important topic for our electronic device subject. Because on the behalf of this resistivity, I have done the classification of solid state materials, that how we can differentiate metal or conductor along with the insulator and semiconductor materials. Very important topic for our subject. So I will let you know in my next video. I hope whatever is being taught to you, you come to understand, and you can ask if there is any doubt regarding the graph, the terminology which is being used by me. So thank you so much for today. I hope you will take care of yourself. Thank you, students.